पीएसपी पे जोन किया है, बोल रहा है कि टिपरामा थाना में यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं रहा, आइडियोलॉजी नहीं रहा, बिना ड्राइवर का गाड़ी है, क्या बोलना चाहेंगे पापा इस बारे में? नहीं, सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का, मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देव वर्मा और श्रीराम देव वर्मा असेंबली के टाइम टिपरा मोथा, क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से, तो वो नाराज़ होकर उसी टाइम से टिपरा मोथा में नहीं था, मतलब शुरुआत से ही दिन में ठीक था, नहीं उनको टिकट नहीं मिला था, टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं, हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं, हम लोगों का जो फाइट है वो टिपरा लैंड का आइडियोलॉजी, जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है, ये मूवमेंट है। अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था, फ्रीडम था, हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए। टिकट तो मुझे भी नहीं मिला, विजय रंकन को भी नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है, मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, श्रीराम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कांग्रेस में हमारे संग थे, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान, पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल, इतना आसान नहीं है, लेकिन आई विश देम द बेस्ट, आई होप दे ऑल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर टिपरा लैंड। अच्छा, वो बगैर कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इतना आसान नहीं होता है अपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करना। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 टिपरा मोथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, टिपरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? टिपरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, टिपरा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर हम टिपरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो टिपरा मोथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो नहीं चलेगी, फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक, और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान, इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ। महाराज वो बोला था वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ था वो उसका रिजल्ट, देखो अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं, आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो, आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो, आप लोग मीडिया है, कॉकबरॉक मीडिया है, टिपरा साहब लोग है, हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए, और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है, अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा, आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? थैंक यू।